साढ़े चार सालों में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 84 विदेश यात्राओं पे 2000 करोड़ रुपए का खर्च किया। जी हाँ, यानी कि पीएम मोदी जी ने अपने शासन काल में 48 विदेश यात्रा की और उस यात्रा के दौरान 2000 रुपए करोड़ का खर्च आया। यानी कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार विदेश राज्य मंत्री वी के सिंह ने संसद में यह जानकारी दी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान प्रधानमंत्री ने करीब 80 से ज्यादा बार विदेश यात्रा की है। आपको बताते चले कि सबसे ज्यादा खर्चा एयर इंडिया वन के रखरखाव और सुरक्षित हॉटलाइन को स्थापित करने में लगे हैं। पीएम मोदी ने 2014 में जापान से अपनी विदेश यात्रा शुरू करी थी। 2014 में उन्होंने सबसे पहले पीएम शिंजो अबे से मुलाकात की थी और इसके अलावा भी कई बार उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अबे से मुलाकात कर ली थी और चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग से भी कई बार मुलाकात की। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा करने के बाद एक बार फिर से जापान गए थे, जिसके बारे में विपक्ष ने काफी आलोचना करते हुए कहा था कि लोगों के पास पैसे नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है और हमारे देश के पीएम मोदी विदेश यात्रा करने में लगे हैं। और उसके बाद 2017 तक पीएम मोदी ने 6 महाद्वीपों पर 31 विदेशी यात्रा की। उन्होंने अमेरिका के दौरान 49 देशों की यात्रा की। मोदी ने 5 बार अमेरिका का दौरा किया, जबकि मोदी ने फ्रांस, जर्मनी, रूस में 3 बार ही यात्रा की और मोदी ने पिछले 3 वर्षों में 3.4 लाख किलोमीटर की यात्रा की, जबकि 2014 में इन यात्राओं के लिए मोदी ने हवाई उड़ानों से यात्रा की जिसमें 275 करोड़ रुपए का खर्चा आया। पीएम मोदी ने सबसे महंगी विदेश यात्रा 31.2 करोड़ रुपए की थी। इस यात्रा पर वो फ्रांस, जर्मनी और कनाडा गए थे। उन्होंने ये यात्रा 9 से 17 अप्रैल 2015 को की थी। ये थी पीएम मोदी की सबसे महंगी यात्रा। इन आंकड़ों के आने के बाद पीएम मोदी की साधारण नेता वाली छवि की पोल खुल गई है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी की वो बात सच साबित हुई है जिस पर वो मोदी सरकार को सूट बूट वाली सरकार बताते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।